सवाल इस बात का है कि क्या मात्र साधु और संतों को पे इस तरीके के आरोप लगा देने से इस देश की व्यवस्था सुधर जाए। देश के प्रधान न्यायाधीश, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसके ऊपर एक तख्ती लटकी हुई है जिस पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो ततो जया, यानी कि धर्म है तभी ये राष्ट्र है, धर्म है तभी ये देश है, धर्म है वही हमारी मेन पहचान है। लेकिन जब उस धर्म के जो हमारे धर्म के प्रतिनिधि कौन है, हमारे धर्म के प्रतिनिधि हमारे धर्म के जो चेहरा है वो है हमारे साधु, हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि। और जिस तरीके से इन लोगों की छवि आज की तारीख में मीडिया में इस प्रकार से बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की, विभाजित करने की, धर्मांतरण करने की एक सुनियोजित साजिश लगती है। आज गंगा की बात कर लीजिए, सुश्री उमा भारती जी ने एक कथन कहा था, अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं इसी गंगा में कूद के प्राण दे दूंगी। अब तो गंगा मंत्रालय उनके थन क्या प्राण देंगी क्या।